हैं। ओके, तो कल आप लोगों ने क्या पढ़ा है? कल की क्लास में क्या पढ़ाई गई? लाइबरी ग्लैंड इक्वेशन और हाँ, सलाइवा लाइबरी का ग्लैंड हो गया डाइजेशन। है, सलाइवा हो गया है, सलाइवा का सलाइबरी एमाइलेज का डाइजेशन में क्या रोल है, ये भी हो गया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग आज देखने वाले हैं। समझ गए बात को? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। समझिएगा कैसे और क्या बनेगा, है ना? लग रहा है कि थोड़ा सा इंक कम है, इंक हल्का सा मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना कि फिगर बनाते समय परेशानी हो जाएगी। तो इंक डाल दिया हमने और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए तो ध्यान दे, समझेंगे यहाँ पे कौन क्या कैसे पार्ट बनता है। ठीक है, तो पहले मैं आउटलाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ, आउटलाइन यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ इस तरह से, इस तरह से आउटलाइन। ठीक है, इस तरह से आउटलाइन हो गया, ये दिख रहा है? इस तरह से हो गया ये आउटलाइन। यहाँ से इस तरह से ऐसे, ठीक आउटलाइन हो जाएगा। ये जो है वो बैक साइड से है और ये आगे का पोर्शन इस तरह से ऐसे करके आउटलाइन ले लेंगे। दिख रहा है ना? ये इस तरह से आउटलाइन हो गया, यहाँ पे ये ऐसे करके आउटलाइन। और ये रहा इस तरह से ऐसे, ठीक पार्ट थोड़े बराबर होने चाहिए इस तरह से, ऐसा कुछ करके हल्का यहाँ से ब्रॉड भी रहेगा तो चलेगा, ऐसा तरह से हल्का सा तरह से ब्रॉड करते हुए यहाँ पे नैरो करेंगे आउटलाइन में, और फिर यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया इस तरह से ऐसे, ठीक ऐसे करके ये ब्रॉड हो गया। ठीक है,
तो ये बन गया आउटलाइन, ठीक है, ये आउटलाइन बन गया, थोड़ा सा टिल्टेड हो सकता है, ऐसा देखने में लग रहा है कि थोड़ा टिल्टेड है यहाँ से, ठीक है, समथिंग ऐसे ही कुछ। अब यहाँ पे हमें इंटरनली पार्ट को बनाना है आउटलाइन के बाद। ये पोर्शन यहाँ से, ये वेस्टिब्यूल वाला एरिया हो गया, ऐसे करके वेस्टिब्यूल का ये पार्ट हो जाएगा, और ये नेजल चैम्बर इस तरह से जो है अपर, ये वाला पैलेट हो गया, और यहाँ से ये युगला, ये पार्ट हो गया युगला का, और ये नेजल चैम्बर ऊपर की ओर आगे से ऐसे, और ये हो गया लोअर बेस हो गया बगल कैविटी का, ये बेस हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। अब यहां से क्या होता है कि यहाँ पे ये हो गया एपिग्लॉटिस, और ये कंटिन्यू इस तरह से करेगा इसोफेगस या फुट पाइन आगे की ओर, इसोफेगस या फुट पाइप आगे की ओर डाउनवर्ड, ठीक है, ये चेस्ट कैविटी से आगे पास करता हुआ, चेस्ट कैविटी से आगे पास करता हुआ ये ओपन हो जाएगा जाकर के कहां पे, तो स्टमक में, यहाँ पे स्टमक में ओपन हो जाएगा, स्टमक में यहाँ पे ओपन होगा, थोड़ा सा स्टमक को सही तरीके से बनाया जाए ऐसे करके, मोस्ट ऑफ द जो स्टमक का एरिया है वो लेफ्ट पार्ट में ही रहता है। अब यहां से ये कुछ इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम इस तरह से स्टार्ट हुआ, आई वाज समझ में। और यहाँ पे आगे से ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रैकिया, यहाँ पे आगे से यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट है इस तरह से, और इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे मैं दिखा दूं, इन ट्रैकिया आगे है, और ये जो इसोफेगस है वो बैक साइड से होगा, और ये है एपिग्लॉटिस, ठीक है, दिख रहा है। इसके ऊपर मैं दिखा देता हूं टंग, है ना, और इस टंग के जस्ट बिलो में जो सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है वो, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड यहां पे मिल गया आपको, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, यस सर, यस सर। अब ये एंगल ऑफ द लोअर जा, एंगल ऑफ द लोअर जा, एंगल ऑफ द लोअर जा पे आपको मिलता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड इस तरह से, पेयर ऑफ पेयर है, और ये जो पार्ट है यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये, और यहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा, समझ में आ रहा होगा कौन सा यहाँ पे ग्लैंड होगा, कौन सा सलाइवरी ग्लैंड है, ये कौन सा सलाइवरी ग्लैंड है, वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, आगे बात समझ में। माउथ का ये कंप्लीट हो गया, बकल कैविटी का एरिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे की ओर समझते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये ड्यूडनम के बाद ये स्टार्ट हो जा रहा है जेजुनम वाला पोर्शन, और यहाँ पे स्टार बनेगा ऐसे करके,
लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर? तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरह से पैंक्रियास, अरे वो समझ में, पैंक्रियास। और इस पोजीशन पे यहाँ पे जो है ये नॉर्मली लीवर प्रेजेंट है, ऐसा करके। और ये जो लोअर पार्ट है, इस लोअर पार्ट पे यहाँ पे कंटेन करेगा लोअर पार्ट पे कंटेन करेगा ये अलग ही पोजीशन, और नीचे होना चाहिए, बट चूंकि जगह के अनुसार से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, तो ये यहाँ पर से कनेक्ट हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा और ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे इसमें पैंक्रियाज। समझ में आ रहा है कनेक्शन? ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जो है ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा। ठीक है, ठीक है, अभी कंप्लीट इसको किया नहीं है, इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे। अभी जगह जगह पे इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दे रहे हैं ऐसे करके, तो ऐसे करके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है, डिप्रेशंस रहते हैं जगह जगह पे इस तरह से, ऐसे करके खुला हुआ पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा, नॉर्मली ब्रॉड रहता है और यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ ही रहा होगा बात क्या है जो, है ना? Yes. अब देखेंगे, अब यहां से इस पोर्शन को, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा ब्रॉड बनेगा और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और फिर ये ओपन हो जाएगा। क्लियर है, व्यू क्लियर है? चलिए सर, रेड वाला क्या है? स्टमक के पास पैंक्रियास, जो लीवर में भी है वो वाला, ये गॉल ब्लैडर, और ये टीनिया कोली है, एक फाइब्रस बैंड होता है, ये लाइनिंग जो है वो टीनिया कोली है। ओके, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो जेजुरम पोर्शन है ये पास करता है अंदर की ओर और ऐसे करके, देखो किस तरह से ये कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यहाँ पे ऐसे करके आकर के लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो गया।
एक्सट्रीमली कॉइल फॉर्म है, ठीक है, क्लियर है? आ रही बात समझ में? अभी आउटलाइन को थोड़ा अरेंज कर लो। आउटलाइन को थोड़ा, ठीक है, इस प्रकार से, और इधर से अरेंज कर दूं, थोड़ा सा अपोजिट होता है ना, इस कारण थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, थोड़ा सा अपोजिट होने के कारण जो है गड़बड़ हो जाता है। चलिए समथिंग लाइक दिस, क्लियर है? आ रही बात समझ में? यस। चलिए ओके, ये बन गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एक तरह से क्लीन व्यू दिखा रहा है, कौन सा पोर्शन कहाँ पे है ये आपको दिख रहा है ना। चलिए अब बारी बारी से हम, चूंकि इसके बारे में समथिंग यहाँ पे आपने बकल कैविटी पढ़ लिया है, तो इसको लेवल कर लेते हैं और बाकी पार्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो कौन सा पोर्शन है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा जो पार्ट है वो क्या हो जा रहा है ना, इस पोर्शन को यहां से ऐसे अगर दिखाओ, तो ऐसे छोड़ो, इसको हम लोग बस कंसीडर करके चलते हैं नोड्स, नोड्स, ठीक है। और ये हमारा ओपनिंग है, कौन सा ओपनिंग था, ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर। इस ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर को ही क्या कहते हो, माउथ, 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 ठीक है। अब माउथ के अंदर एंट्री करते हैं, तो माउथ के अंदर जब एंट्री करते हैं तो ये लार्ज स्पेस मिला, बकल कैविटी है ना। yes. ये बकल कैविटी आपको मिल गया। अब बकल कैविटी में देखोगे तो यहाँ पे मैं बना दूं, यहाँ पे किसी का टीथ ग्रीन होता नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं दिखा देता हूँ ऐसे करके, है ना, थोड़ा सा ब्लैकिश दिखा दिया जो टीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही दिख रहा है क्लियर, लिप्स दिख रहा है क्लियर, टीथ का रिप्रेजेंटेशन आ गया, और ये बकल कैविटी और टंग भी हो गया, नहीं। चलिए यस, तो यहाँ पर इसको दिखा दो, तो ये रहा सलाइवरी ग्लैंड, कौन सा, पैरोटिड, पैरोटिड करते हो आप, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, हाँ पैरोटिड ग्लैंड हो गया। और अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो रेड वाला पोर्शन है इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये है टंग, टंग, ये है टंग, टंग है ये, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला जो आपका है, ये कौन सा ग्लैंड है, तो याद होगा कौन सा, सबमैंडिबुलर, सब लिंगुअल, टंग के जस्ट बिलो, ग्लैंड, हाँ। और ये वाला जो है, ये आपने क्लियर कर लिया, क्या होगा, ये कौन सा होगा मालूम, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर हो गया, सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, दिख रहा है, क्लियर है, यस, प्रॉब्लम नहीं, यस सर। चलिए अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन देख लो, ये वाला जो पोर्शन है ये युगला था, और ये नेजल चैम्बर ओपन हुआ यहाँ पे फैरिंग्स में, ये वाला जो पोर्शन है ये, इसके ऊपर ये रिप्रेजेंट कर सकते हो इस पार्ट को, ये जो पोर्शन है हेयर, ये पूरा का पूरा है फैरिंग्स, बट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें जगह थोड़ा चाहिए, इसलिए हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, इस पोर्शन को ऊपर से, यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक ये हो जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स,
अब ये जो फेरिंग्स है, आप सोचो और समझो कि जब फूड है वो भी इस एरिया में आ रहा है, और जब एयर हम इनहेल करते हैं तो भी वो इसी एरिया में आता है। यानी फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर बोथ, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। एयर और फूड दोनों ही उसी रास्ते से पास करता है, इसीलिए ये कॉमन पैसेज है। और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो इसका भी थ्री रीजन हो जाएगा। रीजन थ्री कैसे? तो ये जो एक्चुअल नीचे जो पोर्शन हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है ना, दिख रहा है यहाँ पे लैरिंग्स, एडम्स एप्पल, यू नो वेरी वेल। तो एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, तो इस रीजन वाले फैरिंग्स को लैरिंजो फैरिंग्स बोलते हो। और ये माउथ के सामने वाला, ये माउथ के सामने वाला जो रीजन है इसको कहते हैं ओरोफैरिंग्स। और ये नेजल चैम्बर के जस्ट नीचे का ये जो पोर्शन है ये कहता है नेजोफैरिंग्स। ठीक है, लैरिंजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और नेजोफैरिंग्स, ये पोर्शन हो जाता है। हालांकि लैरिंग्स की बात करेंगे तो करीब करीब 10-14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10-14 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, यहां से लेकर 10-14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, काम क्या है? कॉमन पैसेज, एयर और फूड दोनों ही पास करता है। अब फैरिंग्स से जब नीचे आते हैं तो फैरिंग्स ओपन होता है टू चैम्बर, फैरिंग्स ओपन इनटू टू ट्रैक्ट और टू चैम्बर, यानी दो रास्ते यहाँ पे बन जाते हैं। एक जो रास्ता है वो आ जाता है किसके लिए? एयर के लिए, जिसको हम कहते क्या है? विंड पाइप या ट्रैकिया, विंड पाइप या ट्रैकिया इसको कह सकते हो। ठीक है, विंड पाइप या ट्रैकिया। और एक जो पोर्शन है, एक जो पार्ट हो जाता है, ये पार्ट क्या होता है? तो दिस इज द ईसोफेगस या फूड पाइप, ईसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है, और अब आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, इसका रिप्रेजेंटेशन यहां से, थोड़ा सा जगह चाहिए दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैकिया। ठीक है, अब ये ट्रैकिया को जो कवर कर रहा है, एक मस्कुलर फोल्ड है ना, मस्कुलर फोल्ड है, वो जो मस्कुलर फोल्ड है, इस मस्कुलर फोल्ड को क्या कहते हैं? व्हिच इज द एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, इसको कह देते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। बताते हैं क्यों एपिग्लॉटिस कहते हो, इसको भी समझ लेना है। तो याद रखना है कि ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, ये ओपनिंग हो गया ट्रैकिया का और ये ओपनिंग हो गया ईसोफेगस का। तो यहाँ पे होता क्या है, फैरिंग्स ओपन इनटू टू ट्रैक्ट, फैरिंग्स ओपन इनटू टू ट्रैक्ट, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। सो आप ध्यान रखना है, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस का नाम है गलेट, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस को गलेट बोलते हैं, एंड ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस, एंड ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज गलेट। तो जब ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को आप क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को ग्लॉटिस बोल रहे हैं, इस ओपनिंग को ग्लॉटिस नाम दिया गया है। सो ग्लॉटिस के ऊपर से जो ढक्कन है, लीड है, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। काम क्या करता है एपिग्लॉटिस? तो ड्यूरिंग स्वैलोइंग है ना, ड्यूरिंग स्वैलोइंग ऑफ फूड, जब भोजन को हम निगल रहे होते हैं, तो निगलते हैं इसका मतलब यहां से यहां नहीं बल्कि उसको यहां से इधर भी आना है। तो निगलते समय फूड क्या होता है कि ये ट्रैकिया में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे ये जो लीड है, ये जो ढक्कन है, ये प्रेजेंट होता है, यानी एपिग्लॉटिस इनक्लोजेस द ट्रैकिया है ना, एपिग्लॉटिस इनक्लोजेस द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया है ना, एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द विंड पाइप। तो विंड पाइप में फूड के एंट्री को क्या करता है? रोक देता है। सम टाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी फूड पार्टिकल चला जाता है, खाते खाते कभी हंस दिया या बोल दिया तो हिकअप आता है, हिचकी आ जाती है, या कभी खांस देते हैं तो फूड पार्टिकल, सम ऑफ द फूड पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है। वही जब
जोर से जब प्रेशर लगाते हैं तो वो बाहर की ओर निकल जाता है। अब इसका ये ध्यान रखना है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये करीब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कहां से शुरू हुआ? फ्रॉम बेस ऑफ द फेरिंग्स। कहां से शुरू हुआ ये? बेस ऑफ द फेरिंग्स से शुरू होता है, बेस ऑफ द फेरिंग्स से शुरू होता है और पासेस अलोंग द थ्रोट। थ्रोट से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है? और डायफ्राम जो होता है, इसको भी इस तरह से दिखाया गया है, इसको भी इस तरह से दिखाया गया है, ऐसे करके दिखाया गया होगा, एक बुक में देखोगे फिगर में तो इस तरह से दिखाया गया है, जो कि इसके पीछे से, जो पीछे से बैक साइड से, हाँ बैक साइड से पास करता है। ये डायफ्राम है जो कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है ना, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंशिएट करता है। और जब ये नीचे आएगा तो ये किसमें इंटर करेगा? तो ये इंटर कर जाता है कहां पे? स्टमक। तो ये स्टमक में इंटर करता है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत ये है कि जहां पे स्टमक में इंटर कर रहा है वहां पर इसमें एक वाल्व होते हैं, वहां पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर एक वाल्व होता है विच इज कॉल्ड द स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल्स। वाल्व को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, ईसोफेगस जो है वो एक तरह से कहोगे कि एक्चुअली में इसको हम देखेंगे तो ये पैसेज इस तरह से रहता है, बिल्कुल ही बंद जैसा रहता है। ये मसल्स है, मस्कुलर है, और ये पैसेज जो है करीब करीब ऐसे रहता है, बिल्कुल ही क्लोज रहता है, है ना, बिल्कुल क्लोज रहता है। जैसे ही फूड पार्टिकल इसके अंदर इंटर करेगा, है ना, जैसे ही फूड पार्टिकल इंटर करेगा इसके अंदर, तो ये जो पैसेज है ये क्या होता है? ब्रॉड हो जाता है। पैसेज जो है वो क्या होता है? ये जो पैसेज तो काफी नैरो था, वो पैसेज क्या होता है? वो ब्रॉड हो जाता है, पैसेज ब्रॉड हो जाता है। तो इस तरह से ये दिखाई देता है कि जहां पे फूड आया वहां पे ब्रॉड हो गया, और जहां पे फूड नहीं है वहां पे क्या है? नैरो है। फिर आगे की ओर फूड इस तरह से पास करेगा तो फिर वहां पे ब्रॉड करेगा, यहाँ पे आगे की ओर पास करेगा तो यहाँ पे ब्रॉड होगा, फिर उसके आगे क्या होता है? नैरो रहता है। फिर जब फूड आगे की ओर पास करेगा, है ना, फिर जब आगे की ओर फूड पास करेगा तो इस तरह से फिर ये ब्रॉड हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब भी होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन होना इधर से शुरू होता है और इस तरह से ऐसे हो जाता है, मतलब इधर से ऐसे ऊपर से नीचे की ओर ही होता है, सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन। तो ओनली वन डायरेक्शन में अगर ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो सोचो क्या होगा, इसके अंदर जो मटेरियल है वो हमेशा नीचे की ओर ही पुश करता जाएगा, नीचे की ओर ही पुश करता जाएगा। तो ये जो पुश जो हो रहा है डाउनवर्ड, जो ये पुश कर रहा है फूड मटेरियल को, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो यहाँ पे शो कर रहा है किसमें? ईसोफेगस में। इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सिर्फ ईसोफेगस में ही नहीं, स्टमक में भी होता है, इधर की ओर ऐसे इधर की ओर, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे की ओर होगा। फिर ये इस तरह से प्रत्येक जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हुए फिर कॉन्ट्रैक्शन इधर की ओर होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऐसे करते करते कहां तक आ जाता है? पूरे बॉडी में, यानी पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड के लिए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, या इसको हम पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं। ध्यान देना, हवड़ाना नहीं है, नाम वही है, पेरिस्टेलेटिक या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नॉट ओनली अकर इन द ईसोफेगस, दे अकर इन द होल एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फॉर द फर्दर और द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड मटेरियल। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? ठीक है। यस सर। यस। अब देखो,
हाँ अब क्या है आगे फैरिंग्स के ऊपर ना लैरिंग्स बताया था क्या? हाँ इसके ऊपर में लैरिंग्स, ठीक है यहाँ पे लैरिंग्स, ठीक है जान लेंगे। अब क्या कंडीशन यहाँ पे बनता है कि ये जो ईसोफेगस है इसमें कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि डाइजेशन अकर इन द ईसोफेगस, एनी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेटेड बाय द ईसोफेगस? नो नो है ना, देयर इज नो, मतलब कह सकते हो नो एनी वन एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम द ईसोफेगस और द फूड पाइप, ओनली म्यूकस कैन सेक्रेटेड। म्यूकस सिक्रीट होता है बिकॉज दे कंटेनिंग द गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल इज मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। गॉबलेट सेल क्या है? मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है जो यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन करता है। म्यूकस सिक्रीशन होता है, अब म्यूकस का सिक्रीशन जब होगा तो एक स्लिपरी, मतलब क्या कह सकते हैं, स्लिपनेस देगा, मतलब स्मूथनेस देगा ताकि फूड आसानी से पास करे। दूसरा क्या है, आपको पढ़ा, आपने पढ़ा था कि जो सलाइवा है वो स्लाइटली एसिडिक है, तो स्लाइटली एसिडिक जो सलाइवा है वो फूड में मिक्स है, वो फूड में मिक्स है, तो वो जो स्लाइटली एसिडिक सलाइवा मिक्स है अगर वो आता है और किसी तरह से कोई भी म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो सम हार्मनेस है ना, सम हार्मफुल इफेक्ट अकर ऑन द ईसोफेगस, बट हियर इट कैन प्रिवेंटेड बाय म्यूकस। म्यूकस से क्या होगा, ये प्रिवेंट हो गया। अब क्या कह सकते हो यहाँ पे ईसोफेगस में और क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो एंजाइम बट ओनली म्यूकस का सेग्रीशन हो रहा है विच प्रिवेंट फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ द स्लाइटली एसिडिक सलाइवा। अब इवन कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ द सलाइवरी एमाइलेज कंटिन्यू इन द ईसोफेगस बिकॉज, क्योंकि उसका कोई एंजाइम है नहीं, तो जब उसका कोई एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, इसमें सलाइवरी एमाइलेज का जो एक्शन है वो होता ही रहेगा, लेकिन जब स्टमक में आ जाएगा तो सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। फिगर को समझ लेना है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब इसमें जब फूड आ गया तो एक बात का ख्याल रखना है कि जो स्टमक है यहाँ पर जो इन, ठीक है यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो यहाँ पे ईसोफेगस आया, यहाँ पे एक भाल प्रेजेंट था, क्या बोलते थे इसको, ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ईसोफेजियल, ईसोफेगस है ना, तो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ईसोफेजियल स्फिंक्टर, क्या नाम देते हैं, ईसोफेजियल स्फिंक्टर नाम देते हैं। या एक और चीज ध्यान देना, जस्ट बिहाइंड दिस, यही ना है, यही पोर्शन है ना, तो इसके जस्ट बिहाइंड में कौन सा ऑर्गन लोकेटेड है जो पंपिंग करता है, हार्ट, हार्ट, तो इसके जस्ट बिहाइंड में, इसके जस्ट पीछे में रहता है हार्ट, इसीलिए इसका, इस ईसोफेजियल स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हो, क्या कह सकते हैं इसको, कार्डियक स्फिंक्टर भी आपको कह सकते हैं, ठीक है, हाँ कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। अब देखो जब इंड होता है स्टमक, तो इंड स्टमक जब होता है तो यहाँ पर भी एक वाल्व कंटेन करते हैं, यहाँ पर भी एक वाल्व कंटेन करते हैं, यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, ठीक है, तो ये जो वाल्व है और ये जो वाल्व है ये पूरी तरह से स्टमक को क्या कर रहा है, एक चैम्बर बना दे रहा है ना, yes, sir. एक बड़ा सा चैम्बर बना दे रहा है एकदम, इसके अंदर जो है सारे फूड आएंगे, और बात ये है कि फूड आने के बाद ये क्लोज हो जाता है। अब वाल्व का काम होता है, वाल्व कहीं भी प्रेजेंट है तो उस वाल्व का एक काम है बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनी सबस्टांस, चाहे अब मान लिया जाए आप पढ़ोगे आगे कि जो क्या कहते हैं वेन है, तो वेन में वाल्व प्रेजेंट है तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रोक देता है, यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है तो ये फूड को क्या करता है, बैकवर्ड फ्लो होने से रोकता है। बट समटाइम है ना, समटाइम इफ द गैसेज आर फॉर्म, मेटाबोलिक गैसेज अगर ज्यादा से ज्यादा बन रहा है ना, मेटाबोलिक गैसेज ज्यादा से ज्यादा बन रहा है, कंस्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है,
तो उस कंडीशन में जब गैसेस का फॉर्मेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है, क्यों जो है वो वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग होता है क्यों, उसकी वजह समझ लो। कहता है कि जब तक ठीक तरह से डाइजेशन इसके अंदर नहीं होता है, जो भी फूड मटेरियल है उसका ठीक तरह से अगर डाइजेशन नहीं होता है, तो ये जो वाल्व है, दिस इज कॉल्ड द पाइलोरिक वाल्व, ये ओपन ही नहीं होगा। तो जब ओपन नहीं होगा तो फूड तो इधर की ओर जा नहीं पाएगा, तो जा नहीं पाएगा और गैसेस का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा, प्रेशर लगाता है, और जब प्रेशर लगाता है तो ये वाल्व जो है वो इधर की ओर उल्टा हो जाता है और काफी फटाक से जो है वो क्या होगा, काफी तेजी से जो फूड मटेरियल है जो कि अनडाइजेस्टेड है, ठीक से ना पचा नहीं है, वो बाहर की ओर चला आता है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सर, तो किसी किसी को बस में उल्टी होता है क्या, सर, किसी किसी को बस में या वो कैसे होता है? हाँ देखो, वो कंडीशन बनता है कि किसी को बस में जाने पर, अब ऐसा जनरली तब होता है, देखो खाना खाने के बाद, कभी भी खाना खाने के बाद जो है तुरंत आपको किसी ऐसे चीज पे सफर नहीं करना चाहिए जो काफी ज्यादा हिलती डुलती हो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एक अंदर में ठीक से डाइजेशन नहीं होता और वो गैसेस बनाता रहता, तो प्रेशर बनता है, ठीक है। तो सभी लोगों को नहीं होता है, जिसको ये प्रॉब्लम होता है, जिसके पास भी जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जिसके पास इस तरह का प्रॉब्लम है, उनको नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है, अब कोई खाना खाया उसके बाद झूले पे चढ़ गया, तो जब नीचे झूला आता है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगा देता है, ठीक है, लगता है कभी झूले पे चढ़े हो, बड़ा सा झूला रहता है उस पे, yes, प्रेशर लगाता है, तो वैसे में भी जो है वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस बनते हैं, वो कुछ रेयर कंडीशन है जिसमें ऐसा हो सकता है, है ना। अगर आप खाना खा लेते हैं और आधे घंटे एक घंटे हो जाता है, तो बहुत कम चांस रहता है कि आपको व्हीकल के ऊपर में जब गाड़ी से जाते हो तो आपको वोमिटिंग होगी। हाँ, किसी किसी को सफोकेशन होता है, किसी किसी को सफोकेशन होता है, जैसे ही व्हीकल पे जाता है, खिड़की वगैरह खुली रहती है, कभी बंद रहती है, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी या काफी क्राउडेड एरिया है, तो उस कंडीशन के कारण, मतलब आप जो आदमी इससे पीड़ित है उस आदमी से पूछो कि कारण क्या है कि तुमको ऐसा होता है, तो वो बोलेगा कि जब भी मैं जाता हूँ या तो बहुत ज्यादा हिलता डुलता है गाड़ी तो इस कारण से होता है, या ऐसा कंडीशन बनता है कि हमको सफोकेट फील करते हैं, मतलब हमको अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन बनते हैं। तो देखते नहीं हो, गाड़ी पे जाते रहते हो या कोई जाता रहता है, सड़क के किनारे से गुजरते हो तो कभी कभी नहीं दही मट्ठा खिचड़ी सब निकल के बाहर आ जाता है खिड़की से, देखे हो? Yes. है ना, तो ये चीजें हैं। सर, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं गया है कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि खड़े खड़े पानी पीने से घुटनों में दर्द हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो जो स्क्रोटम है वो जो है इनलार्ज हो जाता है, इस तरह से बहुत सारे माइथोलॉजी बहुत सारे डेवलप हैं। मेरा ये कहना है कि जब मैं पानी खड़े खड़े पी रहा हूँ, ठीक ना, मैं खड़े खड़े पानी पी रहा हूँ, तो पानी वो घुटनों में जा रहा है कि स्टमक में जा रहा है, ठीक है, घुटना में तो नहीं चला गया, स्क्रोटम में तो वो नहीं चला गया, ठीक है। तो एक माइथ हम इसको मान के चलते हैं, है ना, हमें जहां तक की लगता है, जहां तक मुझे पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप खड़े खड़े पानी पी रहे हो तो उससे कोई परेशानी है, ठीक है। हाँ, लेकिन पानी जब भी पिए तो पानी जो है आराम से पीना चाहिए, ठीक है, पानी जो है वो आराम से पीना चाहिए। आराम से पीने का मतलब क्या है, कोई गिलास लेता है और गटगट गटगट करने लगता है, बोतल लेता है गटगट करने लगता है, तो वो नहीं करना चाहिए। आप पानी को स्लोली स्लोली पीजिए, ठीक है, स्लोली स्लोली पीजिए। पानी पीने में लग जाए, अगर मान लिया एक गिलास पानी है उसमें अगर पीने में आपको एक 30 सेकंड लग भी गया तो कोई परेशानी नहीं, आप उसको 5-6 सेकंड में, है ना, नहीं पी लीजिए, 15 सेकंड लग सकता है, 20 सेकंड लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी ऐसा पी के देखना, आपको बहुत रिलैक्स होगा। सुबह सुबह के समय मैं बताता हूँ, सुबह सुबह जब उठते हैं और जब एक गिलास या दो गिलास पानी पीते हैं तो आप तेजी से पानी पी के देखिए, आपको चक्कर जैसा आ जाएगा, yes, कितना भी हेल्दी हो, हाँ चक्कर जैसा आ जाएगा, या ऐसा फील होगा जैसे लग रहा है कि समथिंग लाइक एसिडिटी जैसा कुछ बना, ऐसा जैसा हो जाता है। तो ये चीजें होती है, लेकिन वही जब धीरे धीरे पीते हैं, स्लोली स्लोली पीते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये चीज को समझना है। देखो मैंने क्या बताया, फूड टेक जो फूड साइंस है,
ठीक है, जो डाइटेटिक्स है वो आपको सिखाता है कि आप बिना मेडिसिन लिए हर बीमारी को ठीक कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैबिट, आपके स्टाइल और आपके फूड पे डिपेंड करता है कि नहीं? ठीक है, आ रही बात समझ में? फिगर में पूरी तरह से ये चैप्टर समाप्त है, अब इसको समझना है आगे। अब देखो ये जो स्टमक है, इस स्टमक को इमेजिनरी फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर का जो ये पोर्शन है, ये बीच का जो पोर्शन है, ठीक है, ऊपर का ये पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन है और ये वाला ये पोर्शन है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है स्टमक का, ये जो पार्ट है, इस पोर्शन को कहते हैं फंडस। इस पार्ट को क्या नाम देते हैं? इस पार्ट को कहते हैं फंडस, फंडस बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक पार्ट। और ये जो होता है, ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं बॉडी। इस पार्ट को कहते हैं बॉडी और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? पाइलोरिक वाल्व। क्या नाम पड़ गया? हाँ, पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक वाल्व। तो ये जो हो गया, ये हो गया पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ऊपर का ये पोर्शन फंडस, ऊपर की ओर, जब भी कभी गैसेस का फॉर्मेशन होता है तो ऊपर की ओर बनता है, ऊपर की ओर। गैस का काम क्या है? गैस जनरली क्या होता है? ऊपर की ओर आ जाता है। तो गैसेस जो है वो ऊपर की ओर आते हैं। और पेन कहाँ होता है? गैस ज्यादा बनेगा तो ऐसा होता है जैसे जैसे लगता है कि कांटी जैसा कुछ चुभ रहा है, चुभने जैसा होता है। किसमें? ब्रेस्ट बोन, है ना, ब्रेस्ट बोन में चुभन जैसा होता है। जिसको ऐसा होता होगा उसको पता चल जाएगा, ठीक है, गैस बनता है तो। ये इस एरिया में ज्यादा। ये कार्डियक पार्ट इसलिए क्यों कह रहे हैं इसको? कार्डियक पार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जस्ट बिहाइंड दिस पोर्शन क्या होता है? कार्डियक, यानी स्टमक प्रेजेंट रहता है, इसलिए कार्डियक पार्ट। और ये जो मेन पोर्शन है नीचे का, ये वाला पोर्शन है, दिस इज द बॉडी। ये पार्ट जो है इसको कहते हैं पाइलोरिक पार्ट और यहाँ पे इनमें मिलता है पाइलोरिक। और आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे क्या हर्ट तो ऊपर ना होता है? देखो ये जो स्टमक है यहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाओ। तो ये जो आपका पोर्शन है किसका, किसका पोर्शन? लंग, ये रिब्स का, रिब्स का कुछ जो पोर्शन है वो स्टमक को कुछ घेरता है, क्योंकि रिब्स थोड़ा नहीं घेरता, वो नीचे रहता है। लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो स्टमक है और जो रिब वाला ये पोर्शन है, ये दोनों क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़। देखो फिगर तुम देख रहे हो, तुम फिगर देख करके तुम्हें लग रहा है कि काफी दूरी आ गया। तुम ओरिजिनल बॉडी को टच करके देखो तो आपको लगेगा कि नहीं, नजदीक में ही तो है, जस्ट बिहाइंड, है ना। तो मेरे बात को फिगर पे तुम चले गए कि फिगर, फिगर तो इसलिए बनाया क्योंकि डिटेल थोड़ा देख सके। ओरिजिनल बॉडी को देखो तो क्या होगा? सब एक जैसा। यहाँ पे, यहीं पे हर्ट है, यहीं पे आपका स्टमक है, तो है ना नियर, ठीक है, हाँ। और ये हर्ट जो है वो थोड़ा बिहाइंड रहता है, पीछे रहता है, ये थोड़ा आगे से रहता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसके अंदर स्टमक में क्या क्या भरा हुआ है? तो स्टमक में भरा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या भरा हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भरा हुआ है। और इसका ये जो इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग में क्या है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रेजेंट है उसमें थ्री मेन है। अब थ्री मेन कौन कौन है? तो पाइलोरिक पार्ट में है और बॉडी पार्ट में है और कार्डियक पार्ट में प्रेजेंट होता है, जिसमें से सेल्स जो है वो मेन है। कौन कौन? ऑक्सीजेनेटिक सेल्स, विच इज द HCl सेक्रेटिंग सेल्स, गॉबलेट सेल, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स और पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड जाइमोजीन सेल।
पेप्टिक सेल्स को जाइमोजीन सेल भी बोलते हैं, चीप सेल्स भी बोलते हैं। और वो चीप सेल्स या जाइमोजीन सेल का काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ द पेप्सिन का सिक्रीशन, पेप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन एज वेल एज रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन एज वेल एज लाइपेज, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन ये करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रीशन याद रखना, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज ओनली एक्टिव इन इन्फेंट, सिर्फ बच्चों में ही एक्टिव होता है। बड़ों में इसका सेक्रेशन हो भी गया तो दे आर इनएक्टिव, नॉट वर्किंग इन, वर्किंग में नहीं है ये, लेकिन बच्चों में क्या होता है, ये एक्टिव होता है। ओके, तो ध्यान में आ गया, समझ में आ गई बात। तो इस कारण से ओनली इन एडल्ट बॉडी, ओनली इन स्टमक प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस। एडल्ट के स्टमक में सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। मिल्क प्रोटीन को कैसे होगा सर, रेनिन नहीं होगा तो? लो, प्रोटीन रेनिन का प्रेजेंटेशन बच्चों में इसीलिए रहता है क्योंकि प्रोटीन का जो, ध्यान देंगे, मिल्क प्रोटीन जो केसीन है ना, इजीली सॉल्युबल, इजीली सॉल्युबल मींस इजीली डाइजेस्टिबल। तो अगर बच्चे दूध पी रहे हैं उसमें केसीन मिल रहा है और केसीन आसानी से डाइजेस्ट हो जाए तो बच्चा दूध पिएगा और विद इन हाफ एन आवर में उसको फिर से भूख लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई उसकी जो मदर है वो उसके साथ बैठी रहेगी हमेशा। तो इसका मतलब है कि क्या होता है, बच्चा कभी उल्टी किया है दूध का, देखे वो? यस यस सर। कैसा रहता है, दही के जैसा? दही के जैसा, यस। हाँ, तो ये दही कैसे बना? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, केसीन जो है वो कर्ड के रूप में कन्वर्ट हो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क किसके कारण हो रहा है? रेनिन के कारण। रेनिन, रेनिन कन्वर्ट द सिंपल केसीन इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। फॉर व्हाई, क्यों बताओ? इसीलिए जब केसीन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो जो एंजाइम है पेप्सिन, जो एंजाइम है दे वर्क स्लोली एंड कंटिन्यू डाइजेस्ट करता रहेगा उसको फॉर टेक मोर टाइम, यस, ज्यादा देर तक बच्चे को भूख नहीं लगेगा। अरे बात समझ में, तो आप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग के पास ऐसा तो दूध पी नहीं रहे कि हम लोग को रेनिन, मतलब दूध पे डिपेंडेंट नहीं ना है, अदर चीजें खा रहे हैं, और कभी दूध पीते हैं तो वो केसीन इजीली डाइजेस्टेबल है तो डाइजेशन हो जाता है, नो प्रॉब्लम। वो देर से डाइजेस्ट हो इसके लिए रेनिन की आवश्यकता है। ओके, यस है ना, इसलिए नहीं कि जल्दी डाइजेस्ट हो। फिर हो गया कि जो म्यूकस है, ये म्यूकस जो है वो क्या करेगा, तो ये प्रोटेक्ट करेगा एचसीएल से फ्रॉम बाल ऑफ द स्टमक, है ना, स्टमक बाल को प्रोटेक्ट करेगा एचसीएल से। ठीक है, इसके साथ साथ एचसीएल का काम क्या है, फूड को सॉफ्ट बनाना, बैक्टीरिया को किल करना, इवन पेप्सिन को एक्टिवेट करना, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पाइलोरिक वॉल्व आल्सो रेगुलेटेड बाय द, इसमें एचसीएल के कारण HCL. ये सारी बात होता है। इवन समटाइम क्या होता है कि कंडीशन है, कंडीशन फॉर द म्यूकस, म्यूकस का सेक्रेशन तभी हो पाता है जब आपके स्टमक में फूड पार्टिकल हो, फूड पार्टिकल हो या कोई भी फूड स्टफ हो, किसी तरह से कोई भी फूड स्टफ हो या कोई ड्रिंक प्लांट हो, कुछ भी अगर आपके बॉडी में है, स्टमक में है, तो म्यूकस का सेक्रेशन होगा। जैसे जैसे फूड अमाउंट घटता है वैसे वैसे म्यूकस का सेक्रेशन भी क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू होता है। यानी इन एम्प्टी स्टमक म्यूकस सेक्रेशन इज वेरी लो, इन एम्प्टी स्टमक म्यूकस सेक्रेशन इज वेरी लो, एंड एक्शन ऑफ द एचसीएल अकरिंग ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक कॉजेज कोरिजन होगा, क्योंकि एसिड है वो, तो कोरिजन होगा, yes. तो घाव बन जाता है, क्या बन जाएगा, अल्सर हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, अल्सर नॉट पेप्टिक अल्सर, अल्सर अल्सर अल्सर, पेप्टिक अल्सर इज कॉल्ड बाय अ बैक्टीरियम व्हिच इज कॉल्ड द हेलिकोबैक्टर, गैस्ट्रिक अल्सर सर, यस गैस्ट्रिक अल्सर, हां गैस्ट्रिक अल्सर नॉट द पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, दिस इज राइट, गैस्ट्रिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर होता है किसके कारण,
लिकोबैक्टर पाइलोरी। हाँ चलिए, तो क्लियर है। अब यहां से आगे की ओर जब एंट्री करेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बिगिंस फ्रॉम द एंड ऑफ द पाइलोरिक, है ना। पाइलोरिक पार्ट जब एंड होता है तो शुरुआत हो जाता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कितने पार्ट हैं? थ्री पार्ट। दिस पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम एंड सेकेंड पार्ट इज जेजुना एंड थर्ड पार्ट इज एक्सट्रीमली क्वाइल एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द इलियम इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी चीजें आप इसको डिटेल में आप पढ़ोगे कि इलियम के अंदर में क्या होता है। इलियम में यानी कह सकते हो कि जो इलियम वाला पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, वहां पे कंटेन करता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल एंजाइम का सेक्रेशन करता है। एंड इलियम आल्सो कंटेनिंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली व्हिच टेक पार्ट इन द एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ये करता है वो। हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे डिटेल में। इसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन का, रिमेन कनेक्टेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच इज कॉल्ड द सीकम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड द सीकम, ठीक है, सीकम बोलते हैं इसको। और ये जो जंक्शन है इसको हम इलियोसिकल जंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। और एट द बेस ऑफ द सीकम क्या कंटेन कर रहा है? अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसका पूरा नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और ये पोर्शन आगे की ओर जा रहा है, लॉन्ग जो सबसे लॉन्ग पोर्शन है विच इज कॉल्ड द कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पोर्शन कोलोन, और कोलोन एंड होगा किसमें? रेक्टम। और रेक्टम ओपन होता है एनल कैनाल में, एनस। और एनल कैनाल ओपन हो जाएगा किसमें? एनस में। तो लास्टली ये एनस निकल जा रहा है, ठीक है। फिर ये पोर्शन को हम पढ़ेंगे डिटेल में। दिस इज द पैंक्रियास जो सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, और ये पोर्शन है लीवर जो सिक्रीट करता है बेसिकली बाइल जूस। बाइल जूस क्या सिक्रीट करता है? सॉरी, लीवर है, लीवर इसको लिखेंगे लीवर। और ये जो पोर्शन है ये क्या है? गाल ब्लडर। क्या ये? गाल ब्लडर। एनी प्रॉब्लम? तो लगभग आपने क्लियर समझ लिया इसको। अब आगे की क्लास में हम इसको जो है इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीटली आपको नोट करेंगे, और उस समय जो कुछ चीज छूटा है उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जब फूड नहीं ले रहे होते उस समय भी ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है? नो, ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ फूड, जब फूड पास कर रहा है तभी, ठीक है। ईसोफेगस में जब फूड पास करेगा उसी समय पेरिस्टाल्सिस होगा, लेकिन स्टमक में इंटेस्टाइन में जब तक फूड रहेगा तब तक होता रहता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? सर वाटर के केस में भी होता है? बिल्कुल, वाटर के केस में भी होता है, ऐसे होता है ना कुछ इस तरह से। हाँ यस ओके।